आप देख रहे हैं मेरा दरिया खान, मैं हूं आपका होस्ट मलिक अकबर। क्वारंटाइन सेंटर दरिया खान में रखे गए तबलीगी जमात के अराकीन के रिजल्ट आ गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर दरिया खान जो कि दुल्हेवाला रोड जुडिशल कम्प्लेक्स में बनाया गया है, रिजल्ट के हवाले से तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान हाफिज़ अब्दुल मनान बेग साहब। जी हाफिज़ अब्दुल मनान बेग, आप हमें बताइए क्वारंटाइन सेंटर दरिया खान के रिजल्ट के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? वो थे 83 लोगों के टोटल, 83 लोगों को हमने 14 दिन के लिए यहाँ पे क्वारंटाइन में रखा। उसके बाद 14वें दिन इनके सबके सैंपल्स हमने भेजे लाहौर, उसमें से फिर मुख्तलिफ टाइमिंग्स में हमारे पास जो है ना ये इनके रिजल्ट्स आते रहे हैं। पहली दफा 17 तारीख को हमारे पास 55 लोगों के रिजल्ट आए नेगेटिव, उसमें 55 लोगों में चारों सूबों के लोग थे। उन 55 को हमने 17 तारीख को यहाँ से रवाना कर दिया। उसके बाद 18 तारीख को 6 मजीद लोगों के जो है वो रिजल्ट हमारे पास आ गए, उनको भी हमने जो है वो यहाँ से रवाना कर दिया। उसके बाद 21 जो हमारे पास लोग 21 लोग रह गए, उनमें से कुछ लोगों के रिजल्ट जो है वो कल हमारे पास आए हैं, तो उनमें से 6 लोग कल जो है वो चले गए थे यहाँ से, 4 लोग कल यहाँ से चले गए थे, वो 4 गए थे बलूचिस्तान, और आज 10 लोग उनमें से जा रहे हैं। 4 लोग जो हैं वो जा रहे हैं सवाबी और 6 लोग जो हैं वो कराची जा रहे हैं। अब टोटल हमारे पास जो पीछे बचते हैं लोग वो हैं बेसिकली 5 लोग ऐसे हैं जिनके रिजल्ट अभी अवेटेड हैं और उनको उनके बारे में फैसला हम करेंगे जब उनका रिजल्ट आएगा। एक बंदा जो है वो पॉजिटिव है और एक बंदा अब्दुल मतीन है जो कि है तो नेगेटिव, लेकिन चूंकि उसने बलूचिस्तान जाना है और बलूचिस्तान के लिए कोई जब कोई टीम बनेगी भक्कर से या कोई मुनासिब उसके लिए कोई हमें कोई कन्वेंस मिलती है तो फिर उसको यहाँ से भेजेंगे। जी बहुत शुक्रिया असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान हाफिज अब्दुल मनान बेग साहब क्वारंटाइन सेंटर दरिया खान के हवाले से तफसीलात से आगाह करने। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मेरा दरिया खान।